अगर आप लोग का भी बजट बहुत ज़्यादा कम है और आप लोग भी सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के प्राइस को कंपनी ने ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन के क्या है नए प्राइस, क्या नए प्राइस पे इसे स्मार्टफोन को लेना सही रहेगा, अगर आप लोगों को भी इस सारे क्वेश्चन का आंसर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के नए प्राइस जानने से पहले आप लोगों को इसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्या सही में यह स्मार्टफोन आप लोगों के मतलब का है भी या नहीं है। तो चलिए जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के क्या है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो ये एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, इसलिए इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्वाड कोर वाला 1.5 GHz का MediaTek का MT6739 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आप लोगों को एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, इसलिए इस स्मार्टफोन से आप लोग परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा कम ही उम्मीद रखिए। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर में आप लोगों को 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ डिस्प्ले की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5.3 इंच की एक TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लोगों को 311 का PPI देखने को मिल जाता है। तो मतलब डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एवरेज से थोड़ी सी कम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो मतलब डिस्प्ले के मामले में मैं इस स्मार्टफोन को बस ओके ही बोल सकता हूँ। वहीं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर में आप लोगों को बैक में 8 MP का सिंगल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। सैमसंग गैलेक्सी M01 के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। वहीं बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 3000 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि इस स्मार्टफोन के साइज के मुकाबले में आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत में 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लॉन्च किया था, बट कंपनी ने अब इस स्मार्टफोन के प्राइस को कम करके 5,999 रुपये कर दिया। यानी तो अब बात आती है 6,000 रुपये से कम प्राइस में, क्या इस स्मार्टफोन को लेना सही रहेगा। तो अगर आप लोग भी एक ऐसा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं जिसमें आप लोग 4G का सिम चला सके और आप लोगों के एक अच्छा ब्रांड भी देखने को मिल जाए, फिर तो ये आप लोग इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। क्योंकि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को सैमसंग जैसा ब्रांड देखने को मिल जाता है, साथ में आप लोगों को 6,000 रुपये से कम प्राइस में एक 4G टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। कैमरा भी आप लोगों को फ्रंट और बैक दोनों में देखने को मिल जाता है। 3000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बट अगर आप लोग भी एक गेमिंग के लिए या एक कैमरे के लिए या एक अच्छा बैटरी बैकअप के लिए स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर तो आप लोगों को इस स्मार्टफोन को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आप लोगों एक 4G सिम को अच्छे से यूज कर सकते हैं और आप लोग थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर सकते हैं।